बागवान भाइयों नमस्कार। काफ़ी लोगों के हमें YouTube में कमेंट्स आए कि मोहित धर्मेक जी का आप एक इंटरव्यू लीजिए और उनका एक्सपीरियंस हम सभी के साथ शेयर कीजिए। तो आज मैं आया हूँ मोहित जी के एप्पल ऑर्चर्ड में, तो इस वीडियो में इनका एक्सपीरियंस आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे। मोहित जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सभी को, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, यहाँ जो आपका ये ऑर्चर्ड है इसका पर्टिकुलर जो एरिया है इसका क्या नाम है और जो एलिवेशन है आपके ऑर्चर्ड की वो क्या है? ये जो मेरा गांव है ये ध्रोंक जगह है कोटखाई में, और मेरे जो ऑर्चर्ड की एलिवेशन है वो 6700 फीट से 7200 फीट के बीच बीच में है। हम अभी ऑलमोस्ट 7000 फीट पे हैं जहाँ हम अभी खड़े हैं। तो इस एलिवेशन में सर आपने कौन सी वैरायटी की प्लांटेशन की है जो मेनली जो इस एलिवेशन में लगनी थी? जो कमर्शियली मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि वैरायटीज तो मैंने ऑलमोस्ट सारी अपने एक ब्लॉक में लगाई हैं, कमर्शियली जो मैं अपने ऑर्चर्ड पे ज़्यादा फैला रहा हूँ या जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं वो सुपर चीफ है। जो फ्रांस वाला सुपर चीफ आया था उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत अच्छी आई है। तो उसके बाद मैं थोड़ा किंग रॉट और एडम्स पे ये काम कर रहा हूँ। सीडलिंग के ऊपर लगाई है? ऑलमोस्ट सर 90% सीडलिंग पे है। न्यू प्लांटेशन जो है वो भी 90% सीडलिंग पे ही हो रही है। ओके सर, हाँ जी। अगर हम सीडलिंग प्लांटेशन की बात करें तो मैक्सिमम लोगों के अभी बगीचे सारे सीडलिंग के। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो रीप्लांटेशन में जो डिजीज़ प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। जी जी जी। तो जब प्लांटेशन हम करते हैं सीडलिंग की, तो जो रीप्लांटेशन साइट है हाँ जी, उसको किस तरह से ट्रीट करना होता है ताकि जो हम प्लांटेशन कर रहे हैं उसमें अच्छी ग्रोथ हो प्लांट्स में? सर मेरा अपना जो बड़ा नॉर्मल सा जो रूल है कि मुझे अगर अपने न्यू प्लांटेशन करनी है तो मैं क्या करता हूँ, जो मान लीजिए मैंने 2022 में अगर प्लांटेशन करनी है तो मैं ऑलमोस्ट जुलाई के आसपास में अपने जितने गड्ढे हैं पेड़ लगाने के लिए वो मैं अभी तैयार कर देता हूँ। मतलब एडवांस? हाँ एडवांस में उसको 5-6 महीने के लिए हम खुला रखते हैं। सोलराइजेशन से ही उसके जो फंगस वगैरह है वो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मैंने अपने हाथ से ऑलमोस्ट 5000 पेड़ लगा दिए हैं और मेरी सारी रीप्लांटेशन साइट है। ओके। तो हमें आज तक अभी कोई ऐसा फेलियर देखने को नहीं मिला है। मतलब वो भी करते हो जैसे H2O2 यूज़? नहीं वो मैंने सर कभी यूज़ नहीं किया है। हाँ मैंने सुना है कुछ लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा अपना मानना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है सर, जो रीप्लांटेशन प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, आपका कहीं पेड़ गिर रहा है या मर गया सूख गया है किसी वजह से, वो किसी बीमारी की वजह से सूखा है, तो वो बीमारी क्या है उसको पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। वो रूट रॉट से मरा है या किस बीमारी की वजह से वो पेड़ ख़त्म हुआ है, उसकी रूट्स ख़त्म, वो फंगस या कुछ कीड़ा है वो आपके सॉइल में है। हाँ जी, हाँ जी। आप उसको ट्रीट भी करोगे, एक पर्टिकुलर एरिया आप H2O2 से उसको ट्रीट करते हैं तो H2O2 जहां तक जा रहा है वो पर्टिकुलर एरिया को ही ट्रीट करता है। तो उसके बाद उस हर केमिकल का एक पीरियड है, उस केमिकल का पीरियड ख़त्म होने के बाद ही वो फंगस है या कुछ है वो ट्रेवल करेगा उस एरिया में भी जो आपने ट्रीट किया है, एक टाइम के बाद वो वहाँ पर भी तो वो फंगस आएगा। तो आपका मेन रीज़न जो काम करने का है वो है कि आपकी जितनी सॉइल है वो डिजीज़ फ्री हो। ओके। वो जब आपका पेड़ चल रहा है तब भी डिजीज़ फ्री चाहिए, रीप्लांटेशन के टाइम पे भी डिजीज़ फ्री चाहिए। तो आप उसको वो सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए कि हमारे ऑर्चर्ड में क्या प्रॉब्लम है, ये पेड़ जो मरा है वो किस वजह से मरा है। ओके। तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप उसको सॉइल को ट्रीट करें, क्योंकि H2O2 से आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी ख़त्म हो रहा है, उसको वो माइक्रोबायल एक्टिविटी को दोबारा उसमें बनाने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ह्यूमिक एसिड? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ देना पड़ेगा सर। वो आपको वो मान के चलिए आपने केंचुआ तैयार करना है या कुछ है जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, उस एरिया से आपने सब कुछ खत्म कर दिया। और वैसे ही लोगों के पास ये चीज़ें बहुत कम है, क्योंकि वो गायब हो चुकी है हमारे उसे, क्योंकि हमने माइक्रोबायल एक्टिविटी पे काम किया ही नहीं है, वो वैसे ही कम है और ऊपर से हम इससे ट्रीट करते हैं, तो उससे आप सोचिए कि कितना नुकसान आपको और होने वाला है। तो आप पहले से अपनी तैयारियां रखें कि ये पेड़, ये मत देखिए कि मेरा पेड़ मर रहा है तो मैं काम करूंगा सॉइल, आपको पहले से काम करना पड़ेगा। ये सर आपने इसके बारे में बताया ना रीप्लांटेशन साइट। जी जी। तो आपने जो प्लांटेशन की वो सीडलिंग के ऊपर ही की है सारी? सर ऑलमोस्ट 90% 90% क्योंकि सारी पेड़ों के बीच में, बड़े पेड़ों के बीच में ही प्लांटेशन हो रही है, तो सीडलिंग है इजीली मैंने जो जाता है ग्रो भी कर रहा है, तो रूट स्टॉक्स पे वर्जिन लैंड्स है, फिर लगता है कि चलो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं अलग से। तो इसमें आपने डिस्टेंस क्या रखा है प्लांट टू प्लांट? सर अभी तो हम ऑलमोस्ट 3-3.5 फीट पे आ गए हैं, मतलब प्लांट टू प्लांट सीडलिंग पे। ओके। हाँ जी। उसमें आप किस तरह से उसको ट्रेन कर रहे हो? सर मेनली वर्टिकल एक्सिस पे। वर्टिकल एक्सिस में, मतलब उसकी तरह नहीं कर रहे जैसे M9 वगैरह? नहीं M9 पे सर, वो क्या है कि आपको M9 पे आपको टॉल स्पिंडल करना पड़ता है, टॉल स्पिंडल पे आपको हॉरिजॉन्टल से नीचे ब्रांचेस को लेके जाना पड़ता है, तो सीडलिंग है उसका बिहेव है वो विगर देगा प्लांट को। Okay. आप उसको जितना नीचे की तरफ झुकाओगे उसमें वाटर स्प्राउटिंग, वाटर शूट्स की जो स्प्राउटिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो आपको उसमें फिर से जूझना पड़ेगा।
तो आपने रूट स्टॉक भी लगाया? जी बिल्कुल लगाया। कौन सा मेल लिया आपके ऑर्चर्ड में? मैंने सर ज़्यादा 106 और M7 पे काम किया है। 111 भी लगाया है। हाँ जी। तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं रूट स्टॉक और सीडलिंग का, जी, तो आपको क्या डिफरेंसेस लगते हैं रूट स्टॉक और सीडलिंग में? सर अगर हम क्वालिटी वाइज देख रहे हैं तो अगर तो आप फुल टाइम फार्मर हो, पूरा टाइम अपने बगीचे पे दे रहे हो, तो फिर तो मुझे आज तक कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं हुआ है कि क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है हमें रूट स्टॉक और सीडलिंग्स में। तो अगर आप एब्सेंटी हो, आपको लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ सीडलिंग पे, तो हो सकता है कि रूट स्टॉक कहीं ना कहीं अपने करेक्टर देता हो फ्रूट क्वालिटी को लेकर, पर हमने अभी तक अपनी फ्रूट क्वालिटी में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं देखा है। नहीं देखा है जो सीडलिंग पे जैसा फ्रूट क्वालिटी, साइज, शेप, रस्ट फ्री, ये चीज़ें जो देख रहे हैं वो सीडलिंग पे भी है, रूट स्टॉक पे भी है। और जैसे सर काफ़ी लोगों का ये भी मानना है, जैसे M9 फॉर एग्जांपल रूट स्टॉक है, कि इसमें हम फर्टिगेशन करते जिस वजह से कि जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड आएगी आपकी एज कम्पेयर टू सीडलिंग। बिल्कुल सर आएगी। तो आपके आपका क्या मानना है इसमें? सर आप फर्टिगेशन कर रहे हो उसमें हर हफ्ते में आप खाद डाल रहे हो, ड्रिप के थ्रू डाल रहे हो, तो उसमें फ्रूट क्वालिटी एनहेंस होनी ही होनी है। ओके। क्योंकि आप हर हफ्ते जिस चीज़ को फीड करोगे तो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली एनहेंस होगी। जितने भी लोग हैं आज के डेट में कहते हैं M9 पे फ्रूट साइज बहुत अच्छा आता है, आप उसको बिना ट्रिप के छोड़ के देखिए क्या उसमें फ्रूट साइज आता है? नहीं। उसमें नहीं आएगा। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आप उसको फीड कर रहे हो, ड्रिप से भी फीड कर रहे हो, फॉलियर भी आप उसको फीड कर रहे हो अलग से, तो आप उसका पूरे साल का आप डाटा देखेंगे कि आपने कितना न्यूट्रिशन उसको फीड किया है। मैं गारंटीड कहता हूँ कि आप उसका 20% भी सीडलिंग को फॉलियर ही फीड कर दीजिए, अगर आप सॉइल से ड्रिप्स नहीं है आपके पास, आप उसको 20% फीड कीजिए छोटे छोटे स्प्लिट डोजेस पे, तो आप उसके रिजल्ट्स देखिए। अगर हम सीडलिंग के ऊपर ही फॉर एग्जांपल ये लगा दे, ड्रिप लगा दे, जी, तो उसमें भी फिर क्वालिटी बिल्कुल बिल्कुल वो होगी ही होगी सर। यहाँ क्या हो गया सर कि यहाँ लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट अभी ऐसा हो गया, क्योंकि रूट स्टॉक का थोड़ा सा वो चलन आ गया है, लोग रूट स्टॉक की तरफ थोड़ा सा जाने लग गए हैं, तो क्या हो गया है कि हमें लगता है कि रूट स्टॉक लगाने हैं तो हमें ड्रिप्स भी लगानी है, मल्च मैट्स भी लगाने हैं, ट्रेलिस भी लगानी, वो कंपल्शन है, वो आपको लगानी भी पड़ेगी। पर अगर हम सीडलिंग पे काम कर रहे हैं तो फिर हम मल्च मैट लगाने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि सीडलिंग का क्या है कि ये तो वाइल्ड है, ये तो कैसे भी चलेगी। आप इस पे भी थोड़ी सी मेहनत करके देखिए, मल्च मैट्स लगाइए, ड्रिप्स लगाइए, फिर रिजल्ट्स देखिए अपने प्लांट में कि कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे आपको अपने फ्रूट पे, प्लांट हेल्थ पे, हर चीज पे। अगर सीडलिंग का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, जैसे रूट स्टॉक 793 है, जी जी, 111 है, जी जी, तो इनमें क्या डिफरेंस नजर आता है आपको? सर मैं 793 पे भी मैंने कुछ प्लांट्स तैयार किए थे, ये तो ऑलमोस्ट क्वालिटी और विगर वाइज ऑलमोस्ट सीडलिंग जैसा ही बिहेव करता है। विगर भी मतलब कि कहीं कहीं तो मेरे को लगता है कि ये सीडलिंग से भी ज़्यादा विगर हमें दे रहा है, क्योंकि मैंने ओरेगन 2 के कुछ प्लांट्स किए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पर ले जा रहा है प्लांट को। तो मेरा अपना जो अभी फेवरेट रूट स्टॉक है वो M7 है, क्योंकि जो हमारा प्लांट टू प्लांट थोड़ा डिस्टेंस है, तो अब 3-3.5 फीट पर हम आ गए हैं, तो थोड़ा सा रूट स्टॉक में जो एडवांटेज है वो ग्रोथ उसकी कंट्रोल करने का, उसका पास करेक्टर है उसमें पर्टिकुलर रूट स्टॉक का, तो हम उसकी हाइट को कि हमने कितना बड़ा पेड़ बनाना है वो कहीं ना कहीं रूट स्टॉक को चूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा अपना है कि M7 लगा के मैं, ताकि मेरा पेड़ बहुत नहीं बढ़ेगा और उसके पास वैसे ऑलरेडी भी जगह है नहीं इतनी कि वो फैले। ठीक है। और सर आजकल देखिए आप इतनी सारी वैरायटीज आ गई मार्केट में, बहुत सारी, बहुत 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 कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया जी। मतलब अकॉर्डिंग टू एलिवेशन कोई अभी पर्टिकुलर सा ग्रोवर नहीं होगा, ऑर्चिडिस्ट नहीं होगा जो बता सके कि ये वाली वैरायटी मेरे ऑर्चिड में बेस्ट सूटेड वैरायटी है। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों से किस तरह से बचे, और जो राइट सिलेक्शन है वैरायटी का अकॉर्डिंग टू एलिवेशन वो किस तरह से करें? सर वैरायटी सिलेक्शन का पहला मोटो यही है कि आप किस एलिवेशन पे हो और आप किस चीज़ से जूझ रहे हो। ओके। लोअर एलिवेशन हमारी जितनी हैं वो उनको कलर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको इथरल कंपल्शन हो गई है कि वो करना पड़ेगा, वरना वो मार्केट में उनका सेब नहीं पहुँचता। हाँ जी, हाँ जी, ये तो उस एलिवेशन पे लोगों को चूज़ क्या करना है कि उनको हाई कलर स्ट्रेन चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वहाँ कलर की दिक्कत है, तो कलर से जूझने के लिए उनको रंग वाली वैरायटी चाहिए जिसमें रंग की दिक्कत ना हो, इथरल कम यूज़ करना पड़े और नेचुरल कलर उनके पास आए। तो उनके लिए हाई कलर स्ट्रेन जो भी आए हुए हैं आज की डेट में, रेड वलॉक्स, जेरोमाइन, किंग रॉट, एडम्स, स्कारलेट 2, ये वाली जितनी वैरायटीज है ये लोअर एलिवेशंस के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें रंग बहुत अच्छा है। तो उससे ऊपर आप 6,500 से ऊपर वाली एलिवेशंस पे जाते हैं तो वहाँ पे रंग की दिक्कत नहीं है, वहाँ साइज की दिक्कत है।
हाँ जी वहाँ साइज की दिक्कत है ना जी, तो उसके लिए आपको चूज ऐसी वैरायटी करनी पड़ेगी जिसमें रंग थोड़ा सा लेट आए, शुरू में हरी आए, हाँ जो पहले रंग ना छोड़े, एकदम से रंग ना छोड़े फ्रूट सेट के बाद में, थोड़ा सा लेट वो कलर छोड़ना शुरू करे, क्योंकि रंग के साथ साथ हायर एलिवेशन में दिक्कत है फ्रॉस्टिंग, हाँ जी फ्रॉस्ट बहुत पड़ता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन वैरायटीज में ये प्रॉब्लम रस्टिंग आ रही है, ये आज की डेट में मेजर प्रॉब्लम हो गई है हायर कलर रेंज में आने वाले टाइम में भी, और ये बहुत बढ़ेगी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मेनली अभी आप जो हम वैरायटी कैलकुलेशंस करते हैं इवैल्यूएशन करते हैं ना सर, वो कर रहे हैं क्योंकि अभी जो हाई कलर स्टेन्स लगे हैं ये लोअर एलिवेशन पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे लगते हैं, हाँ जी हाँ जी, वहीं से इसकी आगे फैलना शुरू होती है वैरायटी, तो वो वहाँ क्या है कि वहाँ फ्रॉस्ट की दिक्कत इतनी नहीं है, नहीं हमारी वैली एलिवेशन पे सर पूरे एक फ्लावरिंग पीरियड पे 20 से 25 दिन अगर हमारी फ्लावरिंग चल रही है तो 25 दिन में 5 बार भी फ्रॉस्ट हो जाता है, ये तो हो जाता है जी, तो वो फ्रॉस्ट जब होता है तो हाई कलर स्टेन्स को बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है, 70-80% आपका फ्रूट जो है वो खराब होने लग जाता है, तो आपको अपनी वैरायटी सिलेक्शन उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी करनी पड़ेगी कि मेरा जो फ्रूट है वो बहुत जल्दी रंग ना छोड़ दे, ओके हाँ जी, ये अकॉर्डिंग टू एलिवेशन ही आपको वैरायटी चूज करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि जो 5000 या 6000 वाला किसान जो वैरायटी चूज कर रहा है वो हम भी उसी को चूज करेंगे, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम्स कुछ और है, हमारी प्रॉब्लम्स कुछ और है, ये तो उसी को देख के चूज करना पड़ेगा। आपने फ्रॉस्ट इंजरी के बारे में बात की, तो इससे हम जैसे हायर एलिवेशन है वहाँ पे इन वैरायटीज़ में जो न्यू वैरायटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो इसे हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, कोई आपका इसमें कहना आप व्यू शेयर करना सर? मैंने जो थोड़ा इसके बारे में जो पढ़ा इंटरनेट पे ढूंढा जो, और उसके बाद मैंने जो अपनी प्रैक्टिसेस अपने बगीचे में की है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे हाई कलर स्ट्रेन्स लगाए हैं, तो क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी हम PGRs यूज़ करते हैं मेनली GA47 वो हम यूज़ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अगर आप उसको स्प्लिट डोजेज पे 2-3 स्प्रेज उसकी करते हैं तो वो काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 90-95% तक आपके रसट ये जो फ्रॉस्टरिंग है इसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसकी टाइमिंग क्या रहती है ऐसे पर्टिकुलर? सर मेनली तो आपको ये देखना है कि फ्लावरिंग टाइम पे आपके फ्रॉस्ट कितना हो रहा है, ओके हाँ जी, जब फ्रॉस्ट पड़ता है तो आप उसके 24 से 48 घंटे में इसकी स्प्रे कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है फ्रॉस्ट नहीं हो रहा है और पीरियड अच्छा निकल गया है तो आप पेटल फॉल पे इसकी स्प्रे कर सकते हैं, हाँ जी वो मेनली रस्टिंग के लिए काम करेगी, ओके हाँ जी। और जो है जिस तरह से न्यू वैरायटीज और न्यू रूट स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं जी, रूट स्टॉक में भी और सीडलिंग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब काफ़ी लोगों को इतना कन्फ्यूजन है कि वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे कि हम कौन सा रूट स्टॉक लगाएं, जी 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 M9 लगाए या MM111 लगाए, तो इससे किस तरह से बचे और किस तरह से राइट सिलेक्शन हो रूट स्टॉक की? सर रूट स्टॉक सिलेक्शन पहली चीज़ है, रूट स्टॉक में आपको पहले पता है कि मेरा पेड़ कितना बढ़ने वाला है, हाँ जी, हाँ जी। मेरे प्लांट की हाइट कितने जाने वाली है, कौन सा रूट स्टॉक मैं सिलेक्ट करूं उसकी पर्टिकुलर एक हाइट उतनी हाइट तक जाएगा। दूसरा इसमें भी रूट स्टॉक M9 है या M26 है, ये वाले जो रूट स्टॉक है ये बिल्कुल शैलो रोटेड है, हाँ जी, हाँ जी। इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ये खुद नहीं टिक सकता है, सहारा नहीं है, तो इसको आपको सपोर्ट भी देना पड़ेगा, हाँ जी, हाँ जी। तो आप वो आपने सिलेक्ट करना है कि आप डीप रूटेड रूट स्टॉक लगाना चाहते हो जिसमें आपको सपोर्ट सिस्टम ना देना पड़े, इरिगेशन ज़्यादा ना देना पड़े, क्योंकि मेन जो सबसे बड़ा इशू है वो है पानी, पानी यस। आज की डेट में लोग सर पीने का पानी ढूंढ रहे हैं, स्प्रेज करने के लिए पानी ढूंढ रहे हैं, मतलब अगली स्प्रे करनी है सर तो उसके लिए ड्रम भर के रखने पड़ते हैं लोगों को, अभी हालत ये है। तो अगर आपको लगता है कि पूरे मतलब कि मैं अगर अपने गांव की बात ले लूं, अगर धोंक में ही मुझे इरिगेशन करनी है, अगर हम सब के सब ड्रिप पे जाएंगे तो मैं सर गारंटेड बोलता हूँ यहाँ पीने का पानी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, हमारे इसमें कोई मॉडल नहीं है, कोई इस पे काम नहीं कर रहा है, ओके। तो पहले हमें इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, पानी स्टोर करना पड़ेगा, उसके बाद हमारे को ये ड्रिप वाली चीज़ें हैं ये सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आज तो हम ये कर लेंगे, हाँ जी। कल को आप इससे कैसे पूरे ऑर्चर्ड को चलाओगे, एक ब्लॉक को 100-200-500-1000 पेड़ का ब्लॉक तैयार करके उसमें हर हफ्ते इरिगेशन करना एक इजी थिंग है, पर जब 100% आप लोग सोचोगे कि हम सब इस पे जाएंगे तो फिर इसको आप कैसे सक्सेस करोगे, उसके लिए आपको आज से सोच बना के चलना पड़ेगा। तो आपको किस तरह का फ्यूचर नज़र आ रहा है सीडलिंग और रूट स्टॉक का? सर मेरा अपना मानना जो है सर, कोई भी किसान मेरा सर्कल भी है जो हम लोगों से मिलते हैं, हम जिनके यहाँ जाते हैं, तो जो लोग पुराने ऑर्चर्ड्स के बीच में ही अपने बगीचे तैयार कर रहे हैं सर, हाँ जी, उनको थोड़ा सा डीप रूटेड रूट स्टॉक्स पे जाना चाहिए, वो 111 पे जाएं, M7 पे भी जा सकते हैं, ये बहुत अच्छे रूट स्टॉक्स हैं, प्लांट को आपको विगर भी देंगे, क्योंकि
पुराने ऑर्चर्ड के बीच में प्लांट को बढ़ाना बहुत मुश्किल है। अभी लोग, आपने देखा होगा जितनी ये थोड़ी सी सेमी स्पर वेराइटीज जो आई हैं हमारे सेब की, लोग इन तरफ बहुत भाग रहे हैं। सुपर चीप और स्कारलेट स्पर को लोगों ने छोड़ दिया, जबकि इन वेराइटीज का आज भी कोई तोड़ नहीं है। बहुत अच्छी वेराइटीज है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। वो क्यों उस तरफ भाग रहे हैं? क्योंकि लोगों के प्लांट नहीं बढ़ रहे हैं, उनको लगता है कि ये तो ग्रो ही नहीं कर रहा है। वो ग्रोथ की वजह से आपने अपने रूट स्टॉक को चूज करना है, तो उस रूट स्टॉक को चूज करिए जो उसको थोड़ा सा विगर भी देगा, आपका प्लांट बढ़ेगा। बाकी रूट स्टॉक्स में जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स है, उसकी मैनेजमेंट है शुरू के 3-4 साल, वो बहुत ज़्यादा है। आपको उसमें लगे रहना पड़ेगा। सीडलिंग थोड़ा सा इजीली मैनेजेबल है, इजी है, सस्ता मिल जाता है। छोट मतलब गरीब किसान, कम फसलों जिनकी कम सेब उत्पादन है, वो भी इसको इजीली पार्टी खरीद सकते हैं, वो लगा सकते हैं। क्योंकि हर इंसान 400 500 700 रुपए का पेड़ नहीं खरीद सकता, और लगाने के बाद वो बढ़े नहीं, उसके लिए और आपको सिस्टम तैयार करना पड़े, वो बहुत सारी चीज़ें सर। ये मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये छोटे से बड़े किसान तक का सबका है। हाँ जी, वो ऐसी चीज़ आपके सामने आनी चाहिए जो हर किसान अडॉप्ट कर सके। 700 का पेड़ हर किसान अडॉप्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। है ना जी, उसके लिए वो 700 का ही नहीं है, उसके बाद उसमें खर्चे और है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसकी, वो पेड़ 1200 में पहुंच रहा है। हाँ जी, वो एक छोटा किसान सर 1200। यहाँ सर अल्टरनेट बेयरिंग की इतनी हालत है कि एक साल सर हमारे हिमाचल की प्रोडक्शन 4 करोड़ है, तो दूसरी साल वो 1.5 करोड़ पे आ जाती है। यहाँ लोग सर पूरे साल का खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं, ऊपर से इन्वेस्टमेंट इतनी हो गई है, और ऊपर से क्लाइमेट चेंज हो गया है। सर्दियां नहीं बरसती है तो सर हमारी प्लांटेशन नहीं चलती है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें नेचर पे डिपेंड है। तो हमें बहुत कुछ चीज़ें सोच के अपने ऑर्चर्ड को लगाना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है, उसको चलाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान पे रख के कि आपके कैसे ऑर्चर्ड्स है, वर्जन लैंड्स है, फिर आप रूट स्टॉक पे करिए। पानी है अच्छे से काम करिए, पानी है तो आप M9 पे जाइए, नहीं है तो M7 या 111 पे जाइए। नहीं सीडलिंग भी कर, नहीं तो आप सीडलिंग, आप वो भी रूट स्टॉक तभी हैं आप अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप उतना भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो सीडलिंग पे जाइए। ऐसा नहीं है कि सीडलिंग पे क्वालिटी नहीं है। आज की डेट में 99.9% जितना भी सेब मार्केट में जा रहा है वो सब सीडलिंग का ही है सर। और टॉप रेटेड क्वालिटी वाले सेब भी सीडलिंग वाले ही है जो आज तक मार्केट में अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है उसमें क्वालिटी नहीं है, वो मेहनत है आपकी, वो प्रैक्टिस है आपकी।